मैं आज आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीजें शेयर करूंगा, बहुत सारी देर आपको यहाँ नहीं रोके रखूंगा, बी गिवन एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल, ओके। नाउ जब मैं स्टूडेंट था ना आपकी तरफ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वन डे मैं यहाँ पे आके और स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, बट इट वॉज पॉसिबल। हर चीज इस वर्ल्ड में पॉसिबल है इफ यू वॉन्ट टू ट्राई, हर चीज, ठीक है भाई। ऐसे जी मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, पता है आपको, क्योंकि मैं ना बहुत लॉस्ट चाइल्ड था। एग्जाम्पल दूं आपको, एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया और बोला मार्केट चले जाओ, एक पैकेट मिल्क, एक पैकेट ब्रेड और एक किलो टमाटर लेके आ जाओ। तो मैंने कहा ओके मॉम, मैं अभी क्या फटाफट लेके आया। मम्मी ने कहा लिख लो, भूल जाओगे तुम। ओह मैंने कहा नो मॉम, इतना तो आसान है, तीन तो आइटम है, अभी गया, अभी वापस मैं चला गया। आधे घंटे बाद वापस आया, मम्मी बिल्कुल खुश नहीं थी। यू नो व्हाई? वैसे तो मेरी कोई गड़बड़ नहीं थी, बट पता नहीं मम्मी गुस्सा थी। मैं घर से निकला, सबसे पहले मिल्कमैन के पास गया, मिल्क खरीदा, ब्रेड खरीदा, जो वेजिटेबल मार्केट था ना थोड़ा दूर था। जब मैं चल के जा रहा था, आई सॉ ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत ब्यूटीफुल। अरे मैंने कहा इतनी ब्यूटीफुल बर्ड, थोड़ा तो इसको पीछे करना, इसका पीछा करना बनता है ना, मैं तो पीछा करने लग गया। फिर मैंने देखा उसका एक फेदर एक बड़ी सी बुश के ऊपर फंसा हुआ था। मैंने कहा यार ये फेदर तो लेना पड़ेगा, कैसे लेकर के निकालना पड़ेगा, ये तो कोई बली नहीं करेगा मेरे की ब्यूटीफुल बर्ड। मैंने चढ़ चढ़ा के कैसे भी वो फेदर निकाल लिया। एक दो बटन टूटे शर्ट में, है ना, ब्रेड का पैकेट फट गया थोड़ा सा, बस कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो फटा। फिर मैं आगे गया वेजिटेबल मार्केट की तरफ, घर बन रहा था, बहुत सारा सैंड था वहां पे, सैंड में बड़े अच्छे अच्छे स्टोन थे। मैंने कहा एक स्टोन को इसमें से निकालना बनता है, तो मैंने ब्रेड और मिल्क नीचे रखा, सैंड में खोदा खोदा एक स्टोन निकाला, बड़ा अच्छा स्टोन था, ब्यूटीफुल स्टोन, और घर चला गया। जब घर गया, कपड़े गंदे, बर्तन टूटे हुए, ब्रेड का पैकेट फटा हुआ, दूध का पैकेट मिट्टी से भरा हुआ और टमाटर में भूल गया था। हम सब ऐसे काम करते हैं ना, है ना, मैं तो सारे करता हूँ, भूल जाता था बच्चों बहुत भूल जाता था, होमवर्क भूल जाता था, कॉपी घर पे रह जाती थी, चीजें मार्केट पे रह जाती थी। मेरे पेरेंट्स ने कहा इसका बहुत प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, इसका ब्रेन चेक करवाएंगे, पक्का इसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर्स ने कैट स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, बहुत सारे टेस्ट किए। जो रिजल्ट उनको मिले ना, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो आप में से कोई डॉक्टर नहीं हो यहाँ पे, किसी ने इतना हाई बायोलॉजी पढ़ी नहीं हुई, फिर भी आप लोग कोशिश करना समझने का कि क्या प्रॉब्लम था मेरे ब्रेन में। बहुत सारा स्टडी करने के बाद डॉक्टर ने रियलाइज किया कि मेरे ब्रेन के अंदर एक बड़ा सा मंकी है, वो मंकी यहां से वहां, वहां से यहां जंपी मारता रहता है पूरा टाइम। देखो ना, ब्रेड लेने गया था, भर 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 भर, सो 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 सो, ये मंकी का काम पूरा टाइम ब्रेन के अंदर चलता रहता है, और एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जंप 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 जंप। अच्छा मुझे ऑनेस्टली बताओ, कितने बच्चों के ब्रेन में ये वाला मंकी है? सबके है ना थोड़ा थोड़ा, है ना, सबके है ना थोड़ा थोड़ा। पढ़ने बैठो तो दिमाग कहीं और, कुछ काम करने जाओ तो कुछ और, मम्मी ने कोई काम कहा तो कहीं और, ये ना इस मंकी का प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है इस मंकी का, ठीक है ना। जब डॉक्टर मेरा ब्रेन चेक कर रहे थे ना, उनको एक और छोटी सी चीज मिली अंदर, एक छोटा सा हॉर्स। ये जो छोटा सा हॉर्स है ना, कहीं कोने में छुप के बैठा हुआ था, कोई इसको पूछ नहीं रहा था, क्योंकि ये मंकी इतनी जंप्स मार रहा था कि इसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। यू नो व्हाट दिस हॉर्स इज? दिस इज विल पावर, विल पावर टू डू थिंग्स। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इन दोनों का काम समझते हैं, ओके।
पांच दिन रह गए, एग्जाम शुरू होने वाले हैं, जान सूखी पड़ी है, कुछ सिलेबस हुआ नहीं है, पांच दिन में सिलेबस कैसे होगा। अब ये जो मंकी है ना, जिसको खाली मजा अच्छा लगता है एग्जाम के नाम पे, ये तो भाग गया। ये कहता भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तब ये जो हमारा विल पावर वाला हॉर्स है ना छोटा सा, ये निकल के आता है और हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है और ये हमको बोलता है पांच दिन रह गए ना, पूरा मन लगा के पढ़ेंगे तो वी विल बी एबल टू अचीव एनीथिंग, करेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, मम्मी पापा कोई मुझे तंग नहीं करेगा, मेरी बुक अब मैं खाली पढ़ूंगा, पांच दिन मैं कुछ मस्ती नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ओनली आई विल स्टडी। हूज कंट्रोलिंग द ब्रेन? द हॉर्स, द विल पावर। अब शो शॉट किताबें खोली, पेन पेंसिल रखी, पढ़ाई शुरू कर दी। 10 मिनट, 15 मिनट, ये बेचारा कोने में बहुत दुखी है, इसको बैठने की आदत नहीं है चुपचाप, ये देख रहे कि ऐसे पढ़ाई चलती नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, राइट। फिर ये आएगा धीरे धीरे वापस, क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, बोरिंग है ना, टीवी देख लो थोड़ी देर, पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी, नहीं क्या फर्क पड़ता, मोबाइल पे ही खेल लेते हैं थोड़ी देर, फिर पढ़ लेंगे, कुछ खाने को ढूंढ लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये घोड़े के ऊपर जंप मारता है, घोड़े को इधर भगाता है उधर भगाता है, बेचारा घोड़ा वापस डाउन, मंकी वापस ऑन टॉप, सारी पढ़ाई की किताबें बंद, कल से पढ़ाई करूंगा मैं, आज मस्ती कर लेता हूं। ये इस मंकी का काम है। हम सब ऐसा ही करते हैं ना, है ना, और जब हम ऐसा करते तो हम सक्सेसफुल कैसे होंगे, हम मार्क्स कैसे अच्छे लाएंगे, हमारे प्रोजेक्ट्स कैसे बहुत अच्छे होंगे। So, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टूल शेयर करूं, ये टूल बहुत इफेक्टिव है। मेरा बेटा जो 5th क्लास में था, वो पढ़ाई नहीं करता था, खाली मस्ती करता था, बहुत गंदे मार्क्स आते थे, अब वो 10th क्लास में है और उसके 90% से नीचे नहीं आते, क्योंकि वो ये छोटा सा एक टूल यूज करता है जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा, राइट। एंड यू गाइस प्रॉमिस मी कि आप लोग उस टूल को यूज करोगे। टूल बहुत मुश्किल नहीं है, करना क्या है, हमने जब भी आप पढ़ाई करने या कोई फोकस तरीके से काम करने बैठो, चाहे वो होमवर्क हो, चाहे एग्जाम की पढ़ाई हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, आपको पता है मंकी तंग करेगा। सो सबसे पहले बुक्स बुक्स आपने खोली, सब तैयारी कर ली, आईज को क्लोज करो, राइट हैंड से एक केज बनाओ, एक पिंजरा, बहुत सुंदर सा, चाहे गोल बनाओ, चाहे स्क्वायर बनाओ, चाहे हाउस जैसा बनाओ, एक सुंदर सा पिंजरा बनाओ। इस मंकी को पकड़ो, केज में डालो, लॉक करो, चाबी पॉकेट में, एक्सपीरियंस करो कि जो हॉर्स है वो फुल पावर में आ गया और उसके बाद अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ। यू विल फाइंड ये जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला मंकी है ना, इस विल पावर हॉर्स को तंग नहीं करेगा। शुरू शुरू में क्या होगा, जब आप पढ़ना करोगे ऐसे शुरू, ये मंकी एस्केप करके वापस तंग करने आएगा, राइट। जैसे ये मंकी आएगा तंग करने, वापस अपना काम रोको, वापस एक और स्ट्रॉन्गर केज बनाओ, इस मंकी को अंदर लॉक, चाबी पॉकेट, राइट। इजी है कि टफ है? सो शुरू करने से पहले ही केज बना के मंकी को लॉक करो, हॉर्स को पूरे फोकस में लाओ, मैंने ये ही करना है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, और अपना काम, पढ़ाई, प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स, गेम, जो भी चीज है शुरू कर दो। जहां फील किया कि मंकी वापस काम करने आ रहा है, इमीडिएटली तभी वापस आईज क्लोज करो, पेन नीचे रखो, छोटा सा केज बनाओ, मंकी को पैक इन करो, थैंक यू गॉड करो कि भाई मुझे बताया मंकी के बारे में, बंद एंड अपनी पढ़ाई वापस शुरू कर दो। धीरे धीरे मंकी सीख जाएगा कि मुझे पढ़ाई के टाइम तंग नहीं करना। यू विल फाइंड कि वो कम तंग करना शुरू कर देगा, यू विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर एंड मोर फोकस्ड इन योर स्टडीज, इज इट राइट, है ना। 3 स्टेप्स होते हैं हर चीज के। स्टेप नंबर 1, नोइंग,
अंडरस्टैंड करना, समझना कि सबके सिर के अंदर एक मंकी और एक हॉर्स है। नॉर्मली छोटू सा हॉर्स बड़ा सा मंकी, हमें क्या करना है, मंकी को करना है छोटा, हॉर्स को करना है बड़ा, राइट? करना कैसे है, काम करने से पहले क्लोज योर आईज, मेक अ केज, मंकी इनसाइड, मंकी लॉक, चाबी से उड़ाकर मंकी भाग के वापस आ गया, कोई बात नहीं, टेक अनदर ब्रेथ, उससे भी बड़ा केज, उससे भी बड़ा लॉक, चाबी और से, राइट? और धीरे धीरे मंकी आपको कम करना बंद ही कर देगा, इज इट करेक्ट? सो तीन चीजें, नोइंग, नॉलेज, पता चल गई आपको कि ब्रेन में मंकी है और हॉर्स है, राइट? डूइंग, आज से ही कोशिश करो शुरू कर दे, क्लास शुरू हो रही है उससे पहले, जरूरी नहीं हाथ से बना रहे, माइंड ने एक केज बनाया, मंकी को बंद किया, लॉक किया एंड रेडी, अब मैं क्लास के लिए रेडी हूं, अब हॉर्स खाली सुनेगा, मंकी नहीं आएगा। डूइंग एंड तीसरा रिपीटिंग, जितनी बार आप ये रिपीट करोगे उतना ही हॉर्स बड़ा होता जाएगा, मंकी छोटा होता जाएगा, राइट? ये आप अभी बच्चे हो, योर माइंड आर वेरी सॉफ्ट, जैसे मैम भी कह रही थी आपकी, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये मंकी ना स्ट्रॉन्गर होता जाता है, अभी आप इसको ट्रेन कर लोगे ना तो कल आप में से कोई डॉक्टर बनोगे, कोई सीए बनोगे, कोई इंजीनियर बनोगे, तब भी आपका मंकी कंट्रोल में रहेगा और आप कितना अच्छा काम करोगे। Is it okay? So you guys promise me to do this? सिर में क्या क्या है, एक मंकी और एक हॉर्स, किसको बंद करना है हमने केज में और किसके साथ हमने काम करना है, पूरे फोकस के साथ, ताकि हम 100% मेहनत कर सके, करेक्ट? ओके, रिमेंबर द मंकी एंड रिमेंबर द हॉर्स। आई विल रिक्वेस्ट द टीचर्स आल्सो, बच्चों को याद दिलाते रहा करो, जहां से मस्ती कर रहा है मंकी आओ हॉर्स बैक, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, आई होप यू कुड लर्न समथिंग।